नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में जो एफसीआई वॉचमैन की जो 380 वैकेंसीज आई हुई हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि एज लिमिट क्या होगी, स्केल पे कितना होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन फी है वो कितनी होगी और अप्लाई इनको कैसे करें, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पोस्ट नेम है वो है वॉचमैन की, ये वॉचमैन की पोस्ट है। इसके लिए जो आपको कार्य करना पड़ेगा, जो एफसीआई के गोदाम होते हैं एफसीआई के, उनमें वॉचमैन की जॉब है ये, जिसको हम चौकीदार की जॉब भी बोलते हैं। तो जो एफसीआई के गोदाम होते हैं, जैसे हर शहर में एफसीआई का गोदाम होता है, जहाँ ये भंडार करते हैं, जैसे ये कणक और चावल की जो फसल होती है इसको भंडार करते हैं ये उन गोदामों में। तो उनके जो ड्यूटी होगी, इनकी एक शिफ्ट ड्यूटी होती है 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है शिफ्ट ड्यूटी, तो वो ये जॉब है। ये आपको क्लियर हो गया होगा जॉब क्या है। तो अब देख लेते हैं कि वैकेंसी कितनी है, 380 वैकेंसी हैं हरियाणा के अंदर। और आगे हम देखेंगे कि किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसी हैं। पहले हम एज लिमिट देख लेते हैं। जो इनकी एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल तक है। जो छूट मिलेगी आपको SC ST में, वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिल जाएगी आपको। जो जनरल कैटेगरी के लिए वो 18 से 25 साल की एज है। और जो इनका स्केल पे है, ये 8100 से लेकर 18070 रुपये तक है। जो आपको 18070 रुपये तक सैलरी लगभग मिल जाएगी आपको। और जो इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लेते हैं। मिडिल स्टैंडर्ड पास, मींस कि 8वीं पास होना जरूरी है अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं। और मैट्रिक कैंडिडेट भी ये फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप मैट्रिक, आपको उस टाइम पे जिस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम पे आपको 8th का सर्टिफिकेट नहीं चाहिएगा, आप 10वीं के सर्टिफिकेट पे डायरेक्टली ये फॉर्म भर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट होगा आपका 120 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होगा। जिस हर मार्क्स का एक नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होगी। देखिए, चार सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा मैथ, एक होगा रीजनिंग, और मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जीएस कंप्लीट होगी आपकी। जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट रेलिवेंट वगैरह क्वेश्चन आएंगे। तो 30 नंबर की जीएस होगी, 30 नंबर का मैथ हो गया, 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की इंग्लिश। तो इन चार भागों में ये डिवाइड होगा ये एग्ज़ाम। हर क्वेश्चन आप सही करते हो तो उसका एक मार्क्स होगा और नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होगी, ठीक है। और जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में पास होते हैं तो उनका फिजिकल होगा, फिर फिजिकल के बाद मैट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसके बाद। ये प्रक्रिया है इस भर्ती की। तो जो एप्लीकेशन फी होगी वो 250 रुपये होगी जनरल कैटेगरी के लिए। और आप अप्लाई कर सकते हो www.fcihraapply.com पे। ये साइट है जो कि एफसीआई पंचकूला की साइट है ये। तो fcihraapply.com पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे अब क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट जो क्लियर करेंगे उनका जो फिजिकल टेस्ट होगा PET होगा। तो रिटन टेस्ट होगा वो होगा दो भाषाओं में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। आप कोई भी भाषा आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये ऑफलाइन मोड में होगा, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको OMR शीट दी जाएगी और जो टाइम होगा इसका 2 घंटे का होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो जो अब सब्जेक्ट पूछ जाएंगे आप वो देख लीजिए, जर्नल नॉलेज होगी, करंट अफेयर होगी, रीजनिंग होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, 30 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी, 30 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर की इंग्लिश आएगी आपको, और एक जर्नल नॉलेज आएगी, ठीक है। तो ये 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको पहले बता दिया है ये। और PET के बाद जो PET इनका ही होगा, जो अपना फिजिकल जो कि एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम पास कर गए होंगे उनका ये आपका फिजिकल होगा, ठीक है।
ये देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस है, हम सारा प्रोसेस देख लेते हैं फिजिकल का। देखिए रेस की बात करते हैं शुरू में, तो 1600 मीटर की रेस होगी, जिसके लिए जो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट हैं उनको मिलेंगे 375 सेकंड। ये आपके लगभग हो गए 6 मिनट 15 सेकंड के करीब हो गए, आप कैलकुलेशन बाद में भी कर लेना, 6 मिनट आई थिंक 15 सेकंड के करीब हो गया जो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट हैं। 1600 मीटर रेस करनी होगी 6 मिनट 15 सेकंड में, 375 सेकंड में। और जो 30 से 35 साल के कैंडिडेट हैं उनको ये करनी होगी 420 सेकंड में, और जो 35 से 40 साल के कैंडिडेट हैं उनको करनी होगी 465 सेकंड में, और जो 40 साल से ऊपर की एज है उनको करनी होगी 500 सेकंड में। ठीक है, तो ये जो एज फैक्टर के हिसाब से ये कार्य करेगा, ये जो आपका फिजिकल होगा, देखिए 18 से 30 साल की एज के लिए 375 सेकंड दिए हुए हैं, और ऐसे ऐसे ही आप देख लीजिए। तो आप बात करते हैं फीमेल के लिए, तो 800 मीटर की रेस होगी जो 255 सेकंड होंगे वो 18 से 30 साल तक, आगे ऐसी है देखिए 30 से 35, 35 से 40 और 40 तक, चार कैटेगरी में डिवाइड है इनका फिजिकल। अब होगा लॉन्ग जंप, जो अपनी रेस क्लियर कर लेंगे उनका लॉन्ग जंप होगा, आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे लॉन्ग जंप में। आप ये ध्यान रखिए कि रेस में आपको एक ही अटैम्प्ट दिया जाएगा और लॉन्ग जंप में 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, जैसे कि हरियाणा पुलिस में दिए गए थे 2011-12 में, वही प्रक्रिया है सेम, जो हरियाणा पुलिस की भर्ती आई थी 2011-12 में हुड्डा सरकार के टाइम, वही सेम प्रक्रिया है। देखिए जो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट हैं उनको जो जो लॉन्ग जंप होगा वो होगा 3.95 मीटर का, और 30 से 35 साल के कैंडिडेट का होगा 3.80 मीटर का, और 35 से 40 ईयर के जो कैंडिडेट होंगे उनका होगा 3.65 मीटर का, और जो 40 साल के होंगे उनका होगा 3.50 मीटर का। तो ये प्रक्रिया है। और एक आप वो हाई जंप होगा, जो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप होगा वो होगा 1.14 मीटर का। ठीक है, इसके लिए भी आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे, आप 3 बारी में ये जंप मार सकते हो। ठीक है, तो जो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट हैं उनको 1.14 मीटर का होगा, मींस कि ये हो गया आपका करीब 4 फुट से थोड़ा कम हो जाएगा ये। और जो 30 से 35 साल के कैंडिडेट हैं ये 1.10 मीटर का होगा, ये आपका जो हाई जंप होगा ये करीब 4 फुट से थोड़ा कम होगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं कि फॉर्म की जो डेट है अप्लाई की वो क्या क्या है। देखिए जो सबमिशन का जो ऑनलाइन फॉर्म जो होंगे वो 5:11 से भरने स्टार्ट होंगे, और 10 बजे भर सकते हो आप इनको। ठीक है, फॉर्म जो भरने हैं वो स्टार्ट होंगे, जो इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी होगी वो होगी 250 रुपये। ठीक है, इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस, जो आपके बैंक चार्ज वगैरह कटेंगे वो इसी में कट जाएंगे, इंक्लूड एक्सक्लूड किए गए हैं आपके बैंक चार्ज, एक्स्ट्रा कटेंगे सॉरी। तो जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 4/12/2017 तक, आप 11 बजे से पहले पहले ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और एडमिट कार्ड वो अवेलेबल हो जाएंगे आपको, जैसे कि आपको अनाउंस कर दिया जाता है एग्जामिनेशन की डेट, तो उससे 15 दिन के पीरियड में आपके एडमिट कार्ड जो अनाउंस कर दिए जाएंगे। ठीक है, डेट ऑफ रिटन टेस्ट ये आपको FCI जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी सारा प्रक्रिया कैसे बरती होगी, क्या इसके लिए एज लिमिट वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई डाउट है हमें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है आप उसको हिट करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ में बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर चैनल की नई अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।